हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के चैप्टर 11 यानी सोसाइटल इंपैक्ट्स के पार्ट 4 के बारे में, जो है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके ऑलरेडी तीन पार्ट्स हो चुके हैं। सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको डिजिटल फुटप्रिंट्स बताया था, दूसरे पार्ट में मैंने आपको नेटिकेट्स के बारे में बताया था, तीसरे पार्ट में मैंने आपको डेटा प्राइवेसी के बारे में बताया था, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बताया था, और ये है हमारा सोसाइटल इंपैक्ट का चौथा पार्ट, जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम आईपी बोलते हैं। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस मत बोलिएगा इसको, ठीक है? इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी शॉर्ट फॉर्म में होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है क्रिएटेड बाय अ पर्सन, जिसको या तो किसी एक इंसान ने बनाया है या तो ग्रुप ऑफ पर्सन ने बनाया है, यूजिंग देयर ओन एफर्ट, यानी कि उन्होंने खुद का अपना एफर्ट लगाया है, अपना दिमाग लगाया है, और जो पहले से अवेलेबल नहीं था पब्लिक डोमेन में। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कॉपी पेस्ट किया, नहीं, वो चीज़ वो है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा अपना वीडियो है, इसको मैंने अपना दिमाग लगा के बनाया है, इसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये जो नोट्स आप देख रहे हो उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों से कलेक्ट किया है। ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा नोट्स, ऐसा नहीं दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसको, ये जो प्रिसाइज नोट्स मैंने अपने तरीके से बनाया है, तो मतलब ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने अपने माइंड के जरिए क्या किया है, क्रिएट किया है। तो कोई भी वो चीज़ जो डिजिटली, याद रखिएगा, जो डिजिटली आप क्रिएट करते हैं, वो रिसोर्स आपका है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो ये वीडियो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर एन इन्वेंशन रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट। कोई आप सामान बनाते हैं, कोई प्रोसेसेस आप डिफाइन करते हैं, कोई नया डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, कुछ भी बनाते हैं, कोई भी एक आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, ट्रेडमार्क बनाते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, लोगो बनाते हैं, तो ये सारी चीज आपने लोगो बनाया, आपने बहुत एफर्ट करके लोगो बनाया, तो वो लोगो जो है वो क्या है, आपका अपना पर्सनल, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय यू, ठीक है, और जो आपने खुद की मेहनत से बनाया है, ना कि कॉपी पेस्ट करके बनाया है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल में अ वीडियो बीइंग क्रिएटेड बाय यू, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं, एंड आइडिया इनोवेटेड बाय यू, कोई एक ऐप आपने बनाया, जैसे कि सपोज किसी ने तो आइडिया दिया था कि फूड डिलीवरी ऐप बनाते हैं, ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप बनाते हैं, किसी ने सोचा होगा कि मैसेजिंग ऐप बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आइडिया आया है। तो ये आइडिया जो होता है वो पर्सनल होता है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई ब्लॉग आपने लिखा है किसी टॉपिक पे, आपने अपना दिमाग लगा के, अपने अपना पढ़ के कहीं से लिखा है, खूब सारी स्टडी करके, और कोई कॉपी पेस्ट करके बोल देगी मेरा है, तो कितना मजा आता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो द थिंग, द आइडियाज, द वीडियोज, द इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय यू व्हाट सो एवर, ठीक है, उससे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। अब सिंपल सवाल है कि अगर आप कोई जमीन खरीदते हो, तो आपने जमीन खरीदा तो मतलब आपने उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट किए, अपनी मेहनत इन्वेस्ट की, तो वो जमीन आपकी है। तो ऑब्वियस सी बात है, कल को कोई आके उस जमीन पे हमला ना बोल दे या उस जमीन को हथियार ना ले, उसके लिए आपको गवर्नमेंट ने कुछ राइट्स दिए हैं कि भैया आप अपना पेपर शो कीजिए कि ये जमीन आपकी है, तो डेफिनेटली वो जमीन आपकी रहेगी। इन द सेम केस, अगर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तो उस प्रॉपर्टी पे आपका हक बना रहे, कोई उसको चुरा ना पाए, और अगर कोई चुराता भी है तो कैसे आप उसको बैक करेंगे, यानी कि आप अपना कैसे शो करेंगे, नहीं ये मेरा है तुमने कैसे चुरा लिया, उसके लिए हमारे पास जो टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन शॉर्ट वी से इट आईपीआर। क्या कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि आईपीआर इज ए स्टैचुरी राइट, ये एक राइट है ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट देती है टू द ओनर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे इस वीडियो को कोई दूसरा कोई मिसयूज कर रहा है, बोल रहा है मैंने बनाया है, ठीक है, तो हालांकि मेरी फोटो इसमें दिख रही है, लेकिन फिर भी कोई बोले कि नहीं मैंने बनाया है। बहुत सारी ऐसी वीडियोज भी होती है इसमें फोटो नहीं दिखती, उसको लोग डाउनलोड करके खुद के चैनल पर अपलोड कर देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी थी, आप उसको नहीं यूटिलाइज कर सकते अपने पर्सनल स्पेक के लिए, पर्सनल कमर्शियल यूज के लिए स्पेशली, ठीक है। तो वही चीज है कि जो गवर्नमेंट देती है उनको राइट, ठीक है, ओनर्स को उनकी प्रॉपर्टी के लिए, और एप्लीकेंट्स को ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम एक्सप्लोइटिंग द आईपी, यानी ताकि दूसरा कोई आपके रिसोर्स को, आपकी चीज को, आपके आइडियाज को, आपके इन्वेंशन को एक्सप्लोइट ना कर सके, बर्बाद ना कर सके।
एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज समवंस ओन हार्ड वर्क, ये किसी की अपनी कड़ी मेहनत होती है, एंड इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और इसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए टू बूस्ट द मोरल ऑफ क्रिएटर, ताकि जो क्रिएटर है, बेसिकली क्रिएटर वर्ड इसलिए मैंने यूज किया कि जो उस आइडिया को क्रिएट करता है, जैसे मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, कोई भी किसी भी ऐप को क्रिएट करता है, बनाता है, तो जो उसका मालिक है, जिसने अपनी पूरी कड़ी मेहनत से जो चीज बनाई है, मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग बनाई और वो 10 सालों में बहुत या 1 साल में बड़ी मेहनत करके बनाई, और कोई उसको चुरा के ले गया, बोला ये मैंने बनाई है, नाम उसने अपना डाल दिया नीचे, तो कितना बुरा लगता है। तो दैट इज उन सब राइट्स के लिए, उन सब चीजों के लिए हमें जो गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उन चीजों से बचने के लिए, या फिर किसी ने चोरी कर लिया है, जैसे चोरी के करने पे कौन सी सजा मिलेगी, कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमारा, तो वैसे ही आईपीआर हमें हमारी चीज वापस लाके देगा। ठीक है, आईपीआर गिव्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द क्रिएटर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सो दैट देयर कॉन्टेंट कांट बी मिसयूज्ड, ऑल्टर्ड और स्टोलन। यानी कि आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वजह से ही कोई भी क्रिएटर अपने कॉन्टेंट को बचा के रख सकता है, ताकि कोई और उसको मिसयूज ना करे, ऑल्टर ना करे, या कोई चुराना ले। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई शुड एन आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बी प्रोटेक्टेड, क्यों प्रोटेक्टेड होने चाहिए। तो अगर आप मुझे ही ले लीजिए, मैं अपने पे ही समझाऊं, मेरी वीडियो है, ऑब्वियसली बात है मैं इसको मोनेटाइज करता हूं, इससे मेरे को कुछ अर्निंग आती है जो एडवर्टाइजमेंट से इस पे आते हैं। तो अगर ये वीडियो कोई और अपलोड कर दे अपने चैनल पे, ये बोल के ये मेरी वीडियो है, तो मेरी अर्निंग तो कम हो जाएगी, तो दैट इज अ लॉस फॉर मी। मैं इतनी मेहनत करके फिर काम क्यों कर रहा हूं, मुझे लॉस हो तो मैं कल से काम करना बंद कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, नए आइडियाज नहीं आएंगे, नए लोग सामने निकल के नहीं आएंगे, उनको लगेगा अरे मैं वहां तो जाऊंगा चोरी ही हो जाएगी मेरी चीज, फिर बनाए क्या फायदा। तो मतलब आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि आपकी मेहनत आपके पास रहे, आप नहीं करते, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन एसेट एंड कैन बी यूज्ड बाय द ओनर फॉर कमर्शियल गेन्स और इन एनी मैनर। ऑब्वियसली पैसे कमाने होते हैं, बहुत सारे लोग क्यों इतना काम करते हैं, क्योंकि वो पैसे कमाने जाते हैं इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, इसीलिए इन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि पता चले कि उनके चीजों को कोई और मिसयूज करके वो पैसे कमा रहा है। नेक्स्ट है, आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर मे इंटेंड टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर ड्यूली प्रोटेक्टेड बाय हिम। यानी कि अगर क्या लिखा हुआ, आईपी ओनर मे इंटेंड टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग and selling products and services which are duly spelling D-U-L-Y, duly, which are duly protected by him। मतलब क्या हुआ कि सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ओनर है वो दूसरे किसी को मना कर सकता है, भैया ये चीज मेरी है आप मत बेचिए, ये चीज मेरा आइडिया है, ये आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कीजिएगा तभी तो वो किसी को बोल सकता है, अगर इसके लिए कोई नियम कानून ही नहीं होगा तो क्या बोलेगा। ठीक है, मतलब कोई आइडिया, मैंने उस आइडिया को चुराया, कोई काम करा, तो मैं उसको बोल सकता हूँ ना, भैया आप ये काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरी पर्सनल चीज है, इसलिए प्रॉपर्टी इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। इंटेल आईपी ओनर कैन सेल, अब आईपी ओनर आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको बेच भी तो सकते हो, कोई आइडिया अपनी बेच सकते हो, या किसी को लाइसेंस दे सकते हो उसका। ठीक है, कमर्शियल गेन्स के लिए, जैसे मैंने ये वीडियो यूट्यूब पे डाली कमर्शियल गेन्स के लिए। ठीक है, तो ये सारे राइट्स हमें देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर को, यानी कि जब से मैं इस वीडियो का ओनर हूँ, इस वीडियो के साथ मुझे क्या करना है, किस तरीके से मुझे इसका फायदा लेना है, कैसे किस तरीके से मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, ये मेरा अपना है और मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा, ये सारा सारा जब प्रोटेक्ट होगा तभी तो मैं इसको यूज कर पाऊंगा, अनप्रोटेक्टेड होगा तो कैसे यूज कर पाऊंगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द गुडविल एंड द ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट। आनंद सर ब्रांड नहीं है, आने वाले टाइम में होंगे, जरूर होंगे, आएगा आएगा अपना टाइम आएगा। अच्छा, ये लाइन जिसे सुने ना, आएगा आएगा अपना टाइम आएगा, कमेंट में लिखना, मुझे पता चलेगा कितने लोग मेरी वीडियोस को बहुत थॉर्डली देखते हैं। तो चलिए, आईपी कैन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू। ऑब्वियसली बात है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो कल को चल के आप बहुत फेमस होंगे, ब्रांड वैल्यू बनेगी आपकी। नेक्स्ट है, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी मेंशन इन रिज्यूमे। ऑब्वियसली अगर मैं कल को कहीं रिज्यूमे देगा तो मैं लिखूंगा ना कि कोडिटॉप चैनल जो है मैं ओन करता हूं और इसमें अभी 62,000 सब्सक्राइबर्स हैं, एंड ऑब्वियसली शायद किसी दिन मैं ये बोलूं कि कोडिटॉप पे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप सबका साथ रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट है, आईपी कैन बी मेंशन इन रिज्यूमे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिज्यूमे में आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है, प्रॉपर्टी राइट, पीआर मतलब प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट सर्टिफिकेट एस्टैब्लिशेस लीगल एंड वैलिड ओनरशिप। ऑब्वियसली बात है, प्रॉपर्टी राइट्स की जैसे सर्टिफिकेट मैं ले लूंगा तो अब मतलब वो मेरा है। ठीक है, मतलब लीगली भी क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा। क्लियर, तो इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है, कितने तरह के होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पेटेंट ले लेते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है, टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजीज,
पेटेंट क्यों लेते हैं? टेक्नोलॉजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए. उसके लिए कौन सा एक्ट है? द पेटेंट एक्ट. ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बनाया जा सकता है टू प्रोटेक्ट वर्ड्स, साइंस, लोगोज, लेबल्स, इनके लिए यह है ट्रेडमार्क एक्ट. डिजाइन, जो आप डिजाइन बनाते हैं, टू प्रोटेक्ट आउटर ऑर्नामेंटल कॉन्फिगरेशन. कोई ऑर्नामेंट है, कोई डिजाइनिंग आपने बनाई, कोई हीरे का हार बहुत ही बढ़िया डिजाइन किया आपने, उसका क्या लिया, भैया मेरा ये मेरा अपना है, तो ये डिजाइन एक्ट के जरिए आपने उस डिजाइन को कॉपीराइट कर लिया ताकि उस डिजाइन को यूज नहीं कर सके. जैसे कार होते हैं, कोई भी कार खरीदते आप देखें, कोई भी दो कार की डिजाइनिंग बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रखेंगे. क्यों? क्योंकि उधर उन्होंने वो कहा कि ये डिजाइन, चूंकि ये कार की डिजाइन इस तरह की डिजाइनिंग मैंने की है, मैंने अपना दिमाग लाया है, तो वो कंपनी का अपना हो गया. उस डिजाइन को आप यूज तभी कर सकते हैं जब वो चाहे, चाहे वो पैसे देके चाहे ऐसे ही. इसलिए सारे कार के ब्रांड्स के डिजाइन अलग अलग होते होंगे, आप देख लेंगे. जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआई, टू प्रोटेक्ट रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट. द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट, बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी खास कंट्री में मिलती है, तो वो उस कंट्री के लिए फिक्स करते हैं कि भाई ये सामान इस कंट्री से बिलोंग करता है. ठीक है, नेक्स्ट है कॉपीराइट, टू प्रोटेक्ट लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क. कोई भी आर्ट टाइप का वर्क है, द कॉपीराइट एक्ट, ताकि आपको कोई आर्ट ना चुरा सके. ठीक है, ये होते हैं काइंड्स ऑफ आईपीआर्स. बहुत सारे आईपीआर्स हैं, उनको ईयर वाइज मैंने दिया गया है. ठीक है, तो आईपीआर प्रोटेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ अ कंट्री स्पेसिफिक. यानी कि जो भी आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री. इन इंडिया, इंडिया में आईपीआर कैन बी प्रोटेक्टेड एंड मोनोपोलाइज्ड एज अंडर एज पर एक्ट. सम ऑफ देम आर, यानी इंडिया में कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं आईपीआर के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं. पहला क्या एक्ट बनाया गया है? द पेटेंट एक्ट, बताया भी थोड़ी देर पहले, 1970. दूसरा द डिजाइन एक्ट, 2000. तीसरा ट्रेडमार्क एक्ट, 1999. द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट, 1999. पांचवा द कॉपीराइट एक्ट, 1957. छठा प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल सर्किट्स लेआउट एंड डिजाइन एक्ट, 2000. एंड लास्ट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, 2001. सात ये हैं, कम से कम इन सातों के ईयर को जरूर याद कर लीजिएगा कि किस किस ईयर में ये सारे एक्ट बनाए गए हैं. ये सारे किसी ना किसी तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि जैसे कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, जैसे कोई मूवी आई, आपने उसको डाउनलोड करके जो है टेलीग्राम से देख लिया, कॉपीराइट किया, मतलब आपने कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन किया. अगर वो चाहे तो आप पर केस कर सकता है. किस रूल का यूज करके? कॉपीराइट एक्ट का यूज करके, 1957 में जो बनाया गया था. तो ये था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक्स.